हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल गार्डन ज्ञान। थैंक यू दोस्तों, आज मैं फिर एक बार लाया हूं मेरे गार्डन का वीकली अपडेट। आइए देखते हैं। मार्च के महीने में अक्सर क्या होता है, दिन में बहुत तेज धूप आता है और रात को थोड़ा ठंड पड़ता है और फ्लावर भी भर के आते हैं इस टाइम में। ये देखिए ब्लैक आइड सुसन, ये ऊपर चढ़ता हुआ जा रहा है और उसके साथ मैंने लगा दिया है अपराजिता, ये पिंक कलर का है। पिंक थोड़ा रेयर होता है। और ये मॉर्निंग ग्लोरी पिछले साल मैंने लगाया था, उसका सीड गिरा था यहाँ पे, ये ऑटोमेटिक उग गया है। और इसके साथ है मैक्सिकन टैम भाइन, ये देखिए ये लाइट रेड में खेलता है ऑरेंज जैसा। ये तीनों क्लाइंबर टाइप का है। और इसके साथ है ये वाइल्ड आलामंडा येलो कलर का, ये गुच्छे में खेलता है एक साथ। और ये देखिए ये है टेक्सस सेज, ये बहुत रेयर प्लांट होता है हमारे यहाँ, लेकिन मिल गया मुझे। इसका लीव्स देखिए सिल्वर लुक्स होता है और ये ग्राउंड कवर करता है। और इसमें पिंक कलर के ऐसे फ्लावर आते हैं, देखिए बहुत खूबसूरत दिखता है ये, लेकिन ग्राउंड पे ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। देखते हैं क्या होता है। और गजेनिया तो लगातार खिल रहा है, इसका मैंने पिंक भी आपको दिखाया था, ये रेड का है। और ये है अमारिलिस, बल्ब से ग्रो करता है, ये वाला खिलेगा आगे। सेंटर देखिए व्हाइट स्ट्राइप आ रहा है। इसका सिंगल तो पहले से था लेकिन डबल में ढूंढ रहा था, आखिरकार डबल भी मिल गया। इसके बल्ब 80-100 रुपया में मिल जाता है, ये आगे 8-10 दिन तक चलेगा। और ये है भरवेना रेड में, ये 5 रुपीज में मैंने एक छोटा सा सीडलिंग लाया था इसका। और देखिए पिंचिंग करते करते कितना घना हो गया है। और मांडाविला व्हाइट, इसमें देखिए कैसे ग्रोथ आ गया है, एनपीके डाला था मैंने 19-19-19। जिस प्लांट का भी सीजन आ जाए उसको आप थोड़ा देखभाल कीजिए, फ्लावरिंग टाइम में थोड़ा फर्टिलाइजर दे देंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और ये तो लगातार ही ब्लूम कर रहा है। ये मैं आपको 2 महीने से दिखा रहा हूँ, इसको आप जितना पिंचिंग करेंगे ये भी उतना फ्लावर देगा। सीड को बनने मत दीजिए, इसमें लगातार पिंचिंग कीजिए। और ये जारवेरा, इनको मैंने शेडी एरिया में रख दिया हूँ। अभी दोपहर में बहुत तेज धूप आ रहा है और ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ये हाइब्रिड सब अभी खिलेंगे अप्रैल तक, अप्रैल के बाद तो गर्म हवा आने लगेगा, तब इनके हालत बहुत ख़राब हो जाते हैं। और ये देखिए पाउडर पफ, इनको मैंने प्रूनिंग कर दिया है, नए सूट्स आने लगे हैं। देखिए ये पूरा सूख गया था, मानो ये प्लांट मर गया है, लेकिन विंटर में ऐसा होता है, स्प्रिंग में इसका फ्लावर आता है। हिबिस्कस में दोस्तों इस टाइम मिलीबग का अटैक बहुत होता है,
ये मार्च अप्रैल में, तो इनको आप रेगुलर चेक कीजिए कहीं इसमें मिली बग तो नहीं लगे हैं, और अगर लगे हैं तो उन पे डाइमिथोएट रोगर जो आता है उसे स्प्रे कीजिए, लेकिन लाइट डोज दीजिएगा। और ये काम इवनिंग के टाइम कीजिएगा क्योंकि दोपहर को बहुत गर्मी आ रहा है अभी, और आपका प्लांट का पत्ता येलो हो सकता है। और जो मैंने बताया था कैम, उसे भी आप स्प्रे कर सकते हैं। और ये है मेरा ग्रेप्स का भाई, इसमें भी गोत आने लगा है, मैंने कटिंग किया था। और देखिए हिबिस्कस का जितने भी फूल खिल के गिर रहा है मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, डिकम्पोस्ट होके फर्टिलाइजर हो जाएगा। इन पे भी मैंने एनपीके और पोटाश डाला था पानी में घोल के, और देखिए ग्रोथ भी बहुत अच्छा आ रहा है इसका। सारे कटिंग से नीचे से नए नए सूट आ रहे हैं। ये जितना नए सूट आएंगे उतना ही ग्रेप्स आपका वहाँ पे फलेगा। देखिए टिप पे आप देख चुके होंगे, अभी अगर आप इस पे वाटरिंग ठीक से नहीं करेंगे तो ये बड सब झड़ सकते हैं, इसीलिए इनको रेगुलर अभी वाटरिंग करना चाहिए। यह है बोगनवेलिया, ये अभी मैंने परचेस किया है नर्सरी से, 150 रुपीज़ लिया, काफ़ी हेल्थी और अच्छा प्लांट मिला मेरे को। ये ड्वर्फ वैरायटी है और फ्लावर ज़्यादा देता है, और कांटे भी इसमें ना के बराबर होते हैं, बहुत कम होते हैं। इनको मैंने एक 15 इंच का पॉट में लगा दिया है। और ये टेकोमा ड्वर्फ वैरायटी, अगर आपके पास ग्राउंड में जगह नहीं है तो गमले में अगर आप प्लांट लगाते हैं तो सब ड्वर्फ वैरायटी ये सब लगाना चाहिए, क्योंकि ये छोटे से जगह में भी हो जाते हैं। ये टेकोमा का पिंक है, ग्रोथ देखिए काफ़ी शानदार है, और फ्लावर भी इसके बहुत अच्छे लगते हैं, सेंटर में स्ट्राइप आता है। ये अभी रेगुलर ब्लूम करेगा अप्रैल लास्ट तक। ये अमरिलिस देखिए झड़ने लगा है, और ये साइड वाला अभी खिला है, बहुत खूबसूरत प्लांट होता है ये, और इनको देखभाल भी खास करना नहीं पड़ता है, लगा दीजिए पोरस सोयल में। और ये जीनिया देखिए सीडलिंग बहुत सारे हुए थे, मैंने इनको सेपरेट कर दिया है, दोपहर में इनको धूप से बचाना पड़ेगा, ये काम आप इवनिंग को कीजिए। और ये टेकोमा देखिए 2 दिन के बाद और खिलने लगा है। डीप येलो ये अमरिलिस, 7-8 दिन हो गया है इसका। धूप से भी कुछ नहीं हो रहा है इसका असर, फुल सन में रखिए इसको। आइए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए मैक्सिकन फ्लेम वाइन ऐसे खिलता है, गुच्छे गुच्छे होके चारों तरफ खिलता है, बहुत सुंदर लगता है ये। और एडेनियम देखिए, रोजी एडेनियम है रेड कलर में। आज ये हिबिस्कस देखिए कैसे तीनों खिले हुए हैं एक साथ,
साइज भी बड़ा है और शेप भी देखिए बहुत बढ़िया लग रहा है। ये था दोस्तों मेरा गार्डन का वीकली अपडेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। फिर मिलते हैं जल्द एक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।